हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कृष्णा एंड यू आर वॉचिंग राइट नाउ केमिस्ट्री नावर फिस्ट। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 11th के चैप्टर 3rd का एक छोटा सा एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्लास 11th में तो आपके काम आएगा ही आएगा, साथ ही साथ क्लास 12th और आगे के आने वाले बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे उसी टॉपिक से रिलेटेड रीजनिंग और उसी टॉपिक से रिलेटेड ऑर्डर वाइज क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टॉपिक का नाम है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। वैसे तो चैप्टर 3rd में बहुत सारे टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। तो आप सोच रहे होंगे सर आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो हम जानते हैं ऐसे भी, चलिए देखते हैं, बात करते हैं। तो आप बोलिए चलिए हमारे साथ ही साथ आज मिलकर के पढ़ा जाए। ओके, बोलिएगा क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सर एक मिनट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को सर आयोनाइजेशन एनर्जी के नाम से भी तो जाना जाता है ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सर आयोनाइजेशन एनर्जी तो जानते ही हैं, लेकिन इसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल के फॉर्म में भी तो जाना जाता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी तो बोला जाता है। जी हाँ, इसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोला जाता है। तो सर क्या सबका सिंबल सेम है? देखिए यहाँ एंथैल्पी और एनर्जी है, पर आप थर्मोडायनेमिक में पढ़ चुके हैं, दोनों के लिए यूज होगा सिंबल एच। आयोनाइजेशन है तो आई, देन सर पोटेंशियल आयोनाइजेशन का आई, और पोटेंशियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई से। आप पढ़ चुके हो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड आर रेडॉक्स, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रेडॉक्स में आपने पढ़ चुका है, तो आई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। सर आयोनाइजेशन पोटेंशियल सिंबल चेंज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ एंथैल्पी चेंज और सिंबल चेंज, क्या सबकी डिफिनेशन सेम है या अलग अलग है? आइए बात करते हैं। क्लास हम जानते हैं हम लोगों ने क्लास 9th में भी और क्लास 11th के चैप्टर 2nd में भी पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें आपने बताया है कि सर आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो न्यूक्लियस से बहुत ही लूजली हेड है। अगर इसे हम लोग आउटर मोस्ट सेल को एनर्जी प्रोवाइड करवा दें तो वो अपने आउटर मोस्ट सेल से निकल के इन्फिनिटी को चला जाता है, इन्फिनिटी को। अगर ग्राउंड स्टेट से निकल के एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो फिर से वापस आ जाएगा, लेकिन यहाँ किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इन्फिनिटी में। अभी इन्फिनिटी भी कैसे जा सकता है सर? उसके बगल भी तो एटम हो सकते हैं ना? ना ना ना, अगर एटम बल्क से निकल रहा है तब उसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे ही नहीं, वो फिर वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। यहाँ एटम किस स्टेट में मौजूद है? आइसोलेटेड गैसियस स्टेट, मीन्स वो गैसियस स्टेट में तो है ही है और अपने बल्क से आइसोलेटेड है, अलग है। तो क्या है आयोनाइजेशन एंथैल्पी? आइए बात करते हैं। आप बोलते हो सर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मींस कम से कम वह एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, to remove an electron from isolated gaseous atom, isolated gaseous atom, और कहाँ से? from its outer most shell, इसके सबसे बाहरी वाले shell में मौजूद electron को निकालने के लिए जितनी energy की जरूरत है उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन एक दूसरा टर्म आपने इसमें और शामिल करना है, भूलना नहीं है, आयोनाइजेशन के साथ साथ में आइसोलेटेड गैसियस एटम। मींस डेफिनेशन में ये दो टर्म इस डेफिनेशन के मास्टर पॉइंट हैं, पहला रिक्वायर्ड, दूसरा आयोनाइजेशन सॉरी आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। सर आइसोलेटेड गैसियस स्टेट तो समझ में आया आपने बताया, ये रिक्वायर्ड का क्या मतलब है? इसी रिक्वायर्ड में तो सारा राज छिपा है, इसी रिक्वायर्ड से तो हमें पता चलेगा कि ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी और पोटेंशियल क्या है। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर आप समझ चुके हो कि एटम के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है, मीन्स आपको एनर्जी हर हाल में देनी ही देनी है, हीट आपको देनी ही देनी है। हीट सर एनर्जी सिर्फ हीट के रूप में, इलेक्ट्रिसिटी के भी रूप में दे सकते हो एनर्जी। हाँ, तो इसी रिक्वायरमेंट को अगर आप हीट के रूप में पूरा करते हो,
मीन्स एनर्जी के रिक्वायरमेंट को अगर आप हीट के रूप में पूरा करते हैं तो उसे बोला जाएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन अगर इसी एनर्जी के रिक्वायरमेंट को आप इलेक्ट्रिसिटी के रूप में कंप्लीट करते हो तब उसे बोला जाएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो सर क्या दोनों की यूनिट भी सेम होगी? ना, बिल्कुल नहीं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी आप हीट के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो इसे आप बोल सकते हो किलो जूल पर मोल या फिर किलो कैलोरी पर मोल। लेकिन एटम को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी दे रहे हो इसलिए इसकी यूनिट होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये होगी इनकी यूनिटें, मीन्स डेफिनेशन यूनिट। सो क्लियर। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इसके टाइप के बारे में, बहुत ही जल्दी जल्दी हम लोग खत्म करते हैं, देखते हैं आगे क्या मिलने वाला है। ओके सर, ये तो पता चल गया, इतना तो समझ में आया कि एनर्जी यहाँ से निकालनी है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है ऐसे ऐसे। ओके, टाइप में क्या है सर, आइए बात करते हैं। पहला है आपके पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन देता कौन है सर? मेटल जरूरी है? अरे नॉन मेटल भी देंगे, लेकिन इजीली देता कौन है? मेटल। इसलिए किसी भी मेटल के गैसियस स्टेट के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़े उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो सर यहाँ जो एंथैल्पी होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, मीन्स आपने एनर्जी दी है। इसका मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव ही होगा। मीन्स रिएक्शन कैसा होगा? रिएक्शन कैसा होगा यहाँ पे? सर रिएक्शन इसका होगा इंडोथर्मिक। कैसा रिएक्शन होगा? इंडोथर्मिक। इसी जगह हम आपको बता दें, आप इसे इंडोथर्मिक भी लिख सकते हैं और इसे आप इंडोर्जिक भी लिख सकते हैं, इंडो एर्जिक, ऐसा दोनों नाम से आता है। दूसरा, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? तो ये तो सर बच्चों वाला काम हो गया, अब इसमें आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हम समझ चुके हैं कि सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो होगा जो आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकाल चुका है और वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर हमें और निकालना हुआ तब हमें जितनी हीट देनी पड़ेगी उसे हम लोग बोलेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे, सपोज करते हैं इस अकेले एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मैं मानता हूँ ऐसा कि आपको 500 किलो कैलोरी एनर्जी देनी पड़ी। किसको? पर एटम को या पर मोल को, सॉरी। तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक निकला तो 5, दूसरा निकलेगा तो फिर 500, मीन्स पहला निकला 500, दूसरा फिर 500, तो टोटल एनर्जी कितनी लग गई? 1000। ऐसा होगा क्या? जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होगा क्लास, तो निकलेगा कहाँ से? इसी पॉजिटिव आयन से ना, अट्रैक्शन क्रिएट होगा। ये पॉजिटिव एटम इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को निकलने ही नहीं देगा इजिली, इसलिए कम से कम 2-3 गुना एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी तब कहीं जाकर के दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मीन्स सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा और हमेशा हाई पॉजिटिव होगा। ऐसे ही थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात अगर हम लोग कर ले तो तब तो ये तो भैया बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि ईजिली इलेक्ट्रॉन तो ये बिल्कुल भी नहीं निकालेगा, क्योंकि अभी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस पे है जो ईजिली निकलेगा नहीं। मीन्स देर आर 3 टाइप्स ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड हियर थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, लेकिन अगर किसी भी एटम से सब्सिक्वेंटली 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हों, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ऐसे एंथैल्पी को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, तो चलिए समझ में आया कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी देने की जरूरत पड़े वो है आयोनाइजेशन एनर्जी, वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब अकेले एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी वो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जो कि बहुत ही ज़्यादा होगी फर्स्ट आयोनाइजेशन से हमेशा, बिकॉज इसके पॉजिटिव यूनिट चार्ज इसके नेगेटिव यूनिट चार्ज को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए निकलने नहीं देंगे। ओके, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी मीन्स दूसरा इलेक्ट्रॉन जिसने लॉस किया है उसी से अगर एक इलेक्ट्रॉन और निकाला जाए तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मीन्स
ये हो गए आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन अगर किसी एटम से ये तीनों ही इलेक्ट्रॉन सब्सिडरी निकले तो हम लोग इसका नाम क्या दे रहे हैं, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या नाम दिया गया क्लास, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो सर क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी आपने बोला कि जो गैसियस एटम है और एटम हमारे पास अभी तक 118 क्लियरली पता है, थ्री ऑर्डर डिस्कवर हो चुका है, 118 एटम है, तो क्या सारे एटम से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी, या एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम लोगों को किन किन चीज़ों को और ध्यान में रखना होगा? तो उसके लिए चलिए डिस्कस करते हैं अगला टॉपिक इसका, जो कि है फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्लास। अभी तक जितनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, यहां से इस यूनिट को छोड़ करके कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। मीन सर मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी की यूनिट यदा कदा कभी कभी पूछ ली जाएगी, बाकी ये सब कुछ भी कभी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो क्या है आइए बात करते हैं। वो है आपका फैक्टर अफेक्टिंग। क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग किसके लिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, वैसे तो फैक्टर अफेक्टिंग में बहुत चीज़ें हैं, एटॉमिक साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट, एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वन बाय वन आइए सब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहला मैंने क्या बोला आपको, कौन सा है जो पहला फैक्टर जो अफेक्ट करता है, एटम की साइज। दूसरा कौन सा फैक्टर है, नोट्स उठा लीजिए, अगर ना हो तो आप राइट कर सकते हैं, यहाँ पे पॉज करके एटॉमिक साइज रख सकते हैं। दूसरा क्या, जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट का मतलब क्या होता है आप बोलते हो सर, इसका मतलब होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अभी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज याद रखिएगा, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है भैया, किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। मीन्स जैसे सोडियम के पास अगर देखा जाए तो इसका एटॉमिक नंबर है 11, इसके प्रोटॉन का भी नंबर क्या होगा 11, इलेक्ट्रॉन का भी नंबर क्या होगा 11। लेकिन अगर मैं मैग्नीशियम की बात कर दूं तो मैग्नीशियम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा 12। मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, ज़्यादा। इट मीन्स मैग्नीशियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सोडियम से ज़्यादा है। छोटी छोटी बातें हैं, अभी आगे चल करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तीसरा कौन सा फैक्टर है जिससे अफेक्टेड होता है सर, ये तीसरा कौन सा फैक्टर है, एटॉमिक साइज हो गई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया, तीसरा आपके पास है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, और चौथा कौन सा है सर, चौथा है पेनिट्रेशन इफेक्ट। ये क्या होता है बात करेंगे अभी इन सब के बारे में, पेनिट्रेशन इफेक्ट। और लास्ट इस पर आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, मीन्स क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसी फैक्टर से ही पूछे जाएंगे, और वो क्या है आप खुद ही देख लीजिए, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये पांच फैक्टर हैं जिस पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करेगी। अब चलिए वन बाय वन एक के बारे में डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आइए सबसे पहले उठा लेते हैं एटॉमिक साइज, तो इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा नहीं बोलना है, आप अपने आप जान जाओगे। देखो क्लास, ये है हमारा पीरियोडिक टेबल। ओके ओके, पीरियोडिक टेबल का जो पहला एलिमेंट है आपके पास, जो कि पीरियोडिक टेबल में उसे जगह दी ही नहीं गई, वो कौन सा एलिमेंट है सर, हाइड्रोजन। ओके, दूसरा कौन सा एलिमेंट है सर, हीलियम। ओके सर, हम जानते हैं अगर मैं इधर हाइड्रोजन, इधर लिथियम, इधर सोडियम, इधर पोटेशियम, इधर रुबिडियम, इधर सीजियम, ऐसे सारे एलिमेंट की बात मैं अगर करता जाता हूँ तो डाउन द ग्रुप अगर मैं जाऊँगा तो एटम की साइज क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी, क्योंकि नए नए शेल मिलते जाएंगे। इसका मतलब हुआ सर, अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊँगा एटम की साइज बढ़ती जाएगी, मीन्स जो न्यूक्लियस का फोर्स है वो आउटर मोर सेल पर लूजली पड़ने लगेगा, स्ट्रांगली नहीं पड़ेगा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा हो गया हमारे पास, और नीचे अगर हम लोग चलते हैं, मान लेते हैं चलो मैंने रुबिडियम को यहाँ पर स्किप कर दिया और यहाँ सीजियम रख दिया, तो सबसे बड़ा सेल कौन होगा, सीजियम। तो सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, बहुत ही आसान,
तो सबसे मुश्किल किससे होगा? अरे सर, एटॉमिक साइज की बात हो रही है ना, तो डाउन द ग्रुप जाने पर एटम की साइज क्या होती है? बढ़ती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर एटम की साइज क्या होती है? छोटी होती है। तो डाउन द ग्रुप जाने पर सबसे नीचे आपको जो मिल रहा है सीजियम, उसकी साइज इसका मतलब है सबसे बड़ी। और लेफ्ट टू राइट अगर आप जानते हो तो हाइड्रोजन से कहां पहुंचोगे? हीलियम, इसका मतलब इसकी साइज सबसे छोटी है। इसका मतलब हो गया सीजियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? वेरी लो होगा, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन बड़ी इजीली निकाला जा सकता है बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी देने के बाद। और हीलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना तो भैया बहुत ही कठिन है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से बहुत ही नजदीक है और टाइटली बॉन्डेड रहेगा, इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल। सो हीलियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? हीलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी वेरी हाई, मीन्स पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी कौन सो करेगा, और सबसे कम सीजियम, बिकॉज सीजियम की साइज सबसे बड़ी और इसकी साइज सबसे छोटी। ओके, तो इस डिस्कशन से हम लोग कह सकते हैं कि जो एटॉमिक साइज है वो डिपेंड है, वो डिपेंड करती है या वो जानकारी देती है हमें किसके बारे में? आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। सो विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्कशन वी कैन से दैट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, एंड इन अदर वर्ड वैसे वर्षा, जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटती जाएगी। चलिए बात हो गई खत्म यहां तक की। तो अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी घटेगी? सर घटेगी, बिकॉज एटम की साइज बढ़ेगी। लेफ्ट टू राइट जाएंगे घटेगी बढ़ेगी? सर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटम की साइज घटेगी, मीन्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। कहां बढ़ती है, कितना बढ़ती है, उसके बारे में भी बात हम लोग करेंगे। तो पहला फैक्टर आपका हो गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जो कि आपने बताया कि सर अफेक्टिंग में अगर हम लोग अब बात करेंगे तो जो एटम की साइज है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या आयोनाइजेशन एंथैल्पी एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके ठीक। दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या था? जेड इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब सर समझ में नहीं आया। चलो मान लेता हूं मेरे पास ये सारे सीरीज हैं, इस सीरीज को आप रट लो, यहां से क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। ओके, आप सबका एटॉमिक नंबर आपको पता है। ओके, इस जगह पर इनका एटॉमिक नंबर कितना था? 7। 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इन्होंने ले लिया, कितना इलेक्ट्रॉन रख लिया अपने पास? 10। इस जगह इनका एटॉमिक नंबर कितना है? 8। इट मींस इनके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर था 7, लेकिन 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज भी इन्होंने रख लिया, इसका मतलब क्या हो गया? 10। इट मींस 9 प्लस 1 मींस 10। नियॉन ऑलरेडी 10 विदाउट एनी चार्ज। नाउ वी टॉक अबाउट इन केस ऑफ सोडियम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 11 एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम हियर, इट मींस 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन? 12। 2 इसने निकाल दिया, कितने बचे? 10। सो ऑन एल्युमिनियम 13, और 13 में से कितने गए हमारे पास? 3, कितने बचे? 10। ओके सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सबका सेम है मगर साइज सबकी क्या है? अलग अलग है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा सबका? सेम होगा, और वो क्या होगा सर? वो होगा NH2 NP6। सर यहां अगर हम देखते हैं तो इस 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कितने पॉजिटिव यूनिट चार्ज हैं? 7। और इसे अट्रैक्ट करने के लिए कितने यूनिट पॉजिटिव चार्ज हैं? 8। इस 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए कितने यूनिट पॉजिटिव चार्ज हैं? 9। इस 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए कितने यूनिट पॉजिटिव चार्ज हैं? 10। सो ऑन 11, इधर 12, इधर 13। मीन्स अगर ध्यान दिया जाए तो इनमें से सबसे ज्यादा न्यूक्लियस में प्रोटॉन किसके पास है? आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन तो सबके पास बराबर है, 10 ही 10 है, यहाँ के बारे में बात नहीं करनी है। प्रोटॉन किसके पास सबसे ज्यादा है? बिकॉज उसी का जेड इफेक्ट सबसे ज्यादा रहेगा, उसी का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा रहेगा। तो आप बोलते हो कि सर 13 कौन है यहाँ पे? एल्यूमिनियम सर।
इट मीन्स अब अगर हमें ऑर्डर में अरेंज करने की बात कही जाएगी तो मुझे दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी और हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। हम समझ चुके हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इस जगह सबसे ज्यादा किसको करेगा, एल्यूमिनियम। क्लियर? क्योंकि इनके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है। ओके, ऐसी स्पीसीज को आप जानते भी होंगे क्लास, ऐसी स्पीसीज को बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है मगर प्रोटॉन क्या है, डिफरेंट है। इट मीन्स प्रोटॉन अगर डिफरेंट है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट है। तो जिसके पास चार्ज ज्यादा होगा वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और उसे निकालने के लिए हमें ज्यादा अमाउंट में एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो ये था आपका दूसरा फैक्टर जिससे हम लोग अफेक्टेड हुए, मींस हम लोग क्या अफेक्टेड होंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, मींस फर्स्ट था आपका एटॉमिक साइज, दूसरी आपकी कंप्लीट हो गई कौन सी, जेड इफेक्ट। ओके, अभी तीसरा कौन सा है सर? आपने फाइव अफेक्टेड बोले थे, यहाँ पे तीसरा इफेक्ट कौन सा है भाई? तीसरा है आपके पास शील्डिंग इफेक्ट। सर ये क्या था, थोड़ा थोड़ा भूल रहे हैं, क्या था? पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं शील्डिंग इफेक्ट के बारे में। अभी शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बात करना है हम लोगों को, तो आप जानते हो कि शील्डिंग इफेक्ट को हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ओके, स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट मुझे नहीं समझाना, लेकिन अब बात आई तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए, जैसे फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल एंड थर्ड सेल, इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ से निकालना है, थर्ड सेल से। ओके, सेकंड सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एट। अब अगर ये एट इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में मूव करेंगे तो इसके चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा जिसे न्यूक्लियस का फोर्स निकल के आउटर मोस्ट सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पर नहीं लग पाएगा। न्यूक्लियस का फोर्स लग तो रहा है कहाँ, फर्स्ट सेल में, लग तो रहा है कहाँ, सेकंड सेल में, लेकिन आउटर मोस्ट सेल पे नहीं लगेगा, लगेगा या कम लगेगा। क्योंकि देखिए, आपने बोला था कि सर अब न्यूक्लियस का फोर्स फर्स्ट सेल में, सेकेंड सेल में, थर्ड सेल में, सब में लग रहा है, तो आउटर मोस्ट सेल से ही इलेक्ट्रॉन क्यों आसानी से निकल रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस का फोर्स आउटर मोस्ट सेल में कम लगता है। क्यों लगता है, ये है उसकी वजह, स्क्रीनिंग इफेक्ट इसकी वजह है। जब स्क्रीनिंग इफेक्ट रहेगा तो न्यूक्लियस का फोर्स आउटर मोस्ट सेल में वीक हो जाएगा, इसलिए वहां से इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। ओके, इसका मतलब हुआ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्क्रीनिंग इफेक्ट के, किसके, स्क्रीनिंग इफेक्ट के। आयोनाइजेशन एंथैल्पी स्क्रीनिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मींस सर तीसरे सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा क्या है, सेकंड सेल के कंपैरिजन में आसान है, क्योंकि न्यूक्लियस का फोर्स थर्ड सेल तक पहुंचने में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसे रिटॉर्ट कर दे रहा है कौन, सेकेंड सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन। ओके, हो गया स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब फोर्थ कंडीशन पे हम लोगों को लेना है पेनिट्रेशन। अभी पेनिट्रेशन इफेक्ट में क्या होता था, चलिए बात कर लेते हैं, बहुत इजी है। अब पेनिट्रेशन इफेक्ट, अब आप एक दिमाग में ये चीज़ बैठा करके रखो कि हाँ ठीक है सर, आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से निकल जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन अब यहाँ पर दिमाग में आपके और जनरेट होना चाहिए, और वो क्या, सर आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, समझ गए, लेकिन जैसे आपने अभी अभी बोला कि आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन ईजिली निकलेगा, और किसी सेल को ही मैं मान लेता हूँ, चलिए कि फर्स्ट सेल है, सेकेंड सेल है, थर्ड सेल है, और ये फोर्थ सेल है, तो न्यूक्लियस का फोर्स आउटर मोस्ट सेल तक तो वीक रहेगा, चलिए मान लेता हूँ, तो फोर्थ सेल से इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से निकलेगा। लेकिन सर फोर्थ सेल में 4s है, 4p है, 4d है, 4f है, कहाँ से? अब फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन s में भी रह सकता है, p में भी रह सकता है, d में भी रह सकता है, f में भी रह सकते हैं, कहाँ से आसानी से निकलेगा? एस वाला आसानी से निकलेगा, पी वाला, डी वाला, एफ वाला, क्योंकि निकलना तो बस सिर्फ तीन ही इलेक्ट्रॉन है, तीन से ज़्यादा तो निकल नहीं सकता, कौन सा इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे? उसी बात को समझने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी यहाँ पर किसकी, पेनिट्रेशन इफेक्ट की।
आइए बात करते हैं। अब अगर फोर सेल में फोर सब सेल हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहाँ से? उन सब सेल्स के ऑर्बिटल से। कहाँ से निकलेगा? उन सारे सब सेल्स के ऑर्बिटल्स से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब समझते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है। अब एक्चुअली जो फोर सेल यहाँ थर्ड सेल हुआ हमारे पास, ये फोर सेल हुआ, फोर सेल और थर्ड सेल के बिटवीन जो एरिया है उसी में फोर सब सेल अरेंज होंगे और उनका अरेंजमेंट कुछ ऐसे रहेगा, पहले 4s आएगा, फिर 4p रहेगा, फिर 4d रहेगा एंड देन 4f रहेगा। इट मीन्स न्यूक्लियस का सबसे स्ट्रांग फोर्स किस पे लगेगा? 4s पे लगेगा। फिर किस पे लगेगा? 4p पे लगेगा। फिर कहाँ? 4d पे लगेगा। फिर कहाँ? 4f पे लगेगा। अब जैसे जैसे आप बाहर जाने जाओगे वैसे वैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस इस ऑर्बिटल की 4f की क्या हो जा रही है? ज़्यादा हो जा रही है। इट मीन्स पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका होगा? एस ऑर्बिटल का, देन पी ऑर्बिटल का, देन डी ऑर्बिटल का, देन एफ ऑर्बिटल का। मीन्स फोर सेल से इलेक्ट्रॉन निकलना थर्ड सेल के कंपैरिजन में इजी तो रहेगा, एनर्जी कम तो लगेगी, लेकिन जो ये फोर सेल है इनके जो सब सेल हैं उनमें से अगर बात की जाए तो एस पी डी एफ में से सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन एफ से निकलेगा और एस से बहुत ही मुश्किल से निकलेगा, क्योंकि इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट बाकी के सारे से सबसे ज़्यादा है और सबसे वीक पेनिट्रेशन किसका है? एफ का है। इट मीन्स न्यूक्लियस का फोर्स एफ ऑर्बिटल पर बहुत ही कम लगेगा। ये तो हो गया आपका फोर्थ वाला। अब आगे बात करते हैं उस टॉपिक पर जिससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आने वाले हैं या फिर उस जिससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आएंगे। अब आप बोलोगे सर अब चार इफेक्ट तो हो गए, चार इफेक्ट तो हम लोगों ने पढ़ डाले, अब कौन सा बचा हुआ है? लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वाली कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब आप बड़ी आसानी से दे लोगे, क्योंकि अब जब आपको अरेंज करने के लिए दिया जाएगा या फिर किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को ही दी जाएगी। हो सकता है कि सेम एटम हो तो जेड इफेक्ट उसका सेम ही होगा, चार्ज आ गया तो भाई जेड इफेक्ट कम ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का कॉन्सेप्ट समझना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसे स्टार्ट करने से पहले आप इस पर ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, थ्री स्टार लगा दीजिए, मीन्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ओके, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में क्या बात करेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं। आप सेकेंड सेल का सेकेंड ग्रुप का, 15th ग्रुप का एंड 18th ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जानते हैं। इसका होगा आपके पास NH2, मीन्स इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होगा? इसमें दो इलेक्ट्रॉन। 15th ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है NH2NP3, मीन्स पी ऑर्बिटल एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर 3 एंड 18th ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NH2 एंड NP6, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर 6। ओके, फुल्ली फील्ड मोर स्टेबल क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं है, गिरा हुआ है, कुत्ता दौड़ा लिया है काटने के लिए, अरे भागो जल्दी भागो, उसके पास एनर्जी नहीं, भाग ही नहीं सकता, कोई रिएक्शन नहीं। अगर आप इसे एनर्जी देते भी हो तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बिकॉज इसके पास एनर्जी है ही नहीं, तो आउटर मोस्ट से निकल ही नहीं सकता, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, जल्दी निकलेगा ही नहीं, बहुत एनर्जी लेगा। सेकेंड हाफ फील्ड एंड थर्ड यस का मीन्स, अब ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अगर बात की जाए तो ये हो गया इसका ऑर्डर, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा हमारे पास? पी डी एफ कोई भी हो, लेकिन हाफ फील्ड अगर है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब एस की ही बात में हाफ फील्ड की बात नहीं करेंगे बिकॉज आप बोलोगे सर हाफ फील्ड तो ये भी हो गया, तो ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, हाफ फील्ड और फुल फील्ड में कौन ज़्यादा स्टेबल था? बोलोगे फुल फील्ड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से निकल जाएगा। आइए बात करते हैं इस पर। चलिए देखिए, आपके पास है लिथियम, आपके पास है बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, देन नियॉन। ओके, एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम 4, बेरिलियम 5, बोरान 6, बोरान 5, कार्बन 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम 1s2, 2s1, बेरिलियम 1s2, 2s2, बोरान 1s2,
2s2 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 and last 2p6. ओके, लिथियम और बेरिलियम में चलिए कंपेयर करते हैं। तब बोलोगे सर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, एटॉमिक साइज छोटी होगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी किसकी, बेरिलियम की, लिथियम की साइज बड़ी है, साइज भी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी, अगर दोनों साथ आ जाएं तो हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देना है किसको, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। साइज यहाँ छोटी है बेरिलियम की लिथियम से, लेकिन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ही इसके पास आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। बेरिलियम और बोरान में देखो सर, रूल के अकॉर्डिंगली तो बोरान की साइज छोटी होगी, और अगर बोरान की साइज छोटी है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरान की ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन नहीं, बेरिलियम का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इसलिए बेरिलियम का ज़्यादा होगा। अब बोरान और कार्बन में देखो, क्या दोनों में से कोई भी है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये है नहीं है, क्योंकि पी ऑर्बिटल का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो हाफ फिल्ड या तो फुल्ली फिल्ड, दोनों ही नहीं है, इसलिए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ कैंसिल। बचा कौन सा एटॉमिक साइज, फिर साइज कार्बन की छोटी है इसलिए कार्बन का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा। कार्बन और नाइट्रोजन में देखा जाए तो नाइट्रोजन का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा। ऑक्सीजन और कार्बन नाइट्रोजन में देखा जाए तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए नाइट्रोजन का ज़्यादा। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में देखा जाए तो फ्लोरीन भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं शो कर रहा है, ना ही ऑक्सीजन शो कर रहा है, तो एटॉमिक साइज किसकी छोटी है, नाइट्रोजन फ्लोरीन की, इसलिए फ्लोरीन का ज़्यादा। अब इसके बारे में तो बात करना ही नहीं भाई, फुल्ली फील्ड है तो बहुत ज़्यादा होगा। तो कि ऐसे सीक्वेंस आपको दे दिया और आपसे बोल दिया गया कि पीरियड में आयनाइजेशन एंथैल्पी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज करो, तक बात हो गई हमारी ख़त्म। अब जब हमें अरेंज करने के लिए दिया जाएगा कि चलिए इसको इसके रेगुलर पैटर्न में आप अरेंज करके दिखाइए कि किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, या फिर सेकेंड पीरियड के एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी में अरेंज करिए, तो आप कैसे अरेंज करोगे? तो आप बोलोगे सर देखिए, अगर हमें कंपेयर करना होगा तो जो जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे हैं तो कंपैरिजन उनका सिर्फ उनके ही बगल वाले एलिमेंट से होगा। अब ऐसा नहीं है कि बेरिलियम का कंपैरिजन हम लोग कार्बन से करेंगे, जी नहीं, बेरिलियम का कंपैरिजन हम लोग सिर्फ बोरान और लिथियम से करेंगे, ऐसे ही नाइट्रोजन का कंपैरिजन हम लोग सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन से करेंगे, ना कि फ्लोरीन से करने चले जाएंगे। ओके, अपने बगल वाले एटम से ही किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अदरवाइज साइज तो जंप करने के बाद बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी ना। ओके, आइए तो सबसे पहले किसको राइट करेंगे आप, लिथियम। ओके, लिथियम और बेरिलियम में सबसे छोटा कौन बड़ा कौन है, लिथियम। आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा मगर किसकी है, बेरिलियम की, क्यों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे कम कौन देगा, लिथियम। अब बेरिलियम और बोरान में कौन शो करेगा ज़्यादा, बेरिलियम बोरान में कौन ज़्यादा शो करेगा, बेरिलियम, इसलिए हम लोगों को किसको लिखना पड़ेगा, बोरान को, क्योंकि ऑर्डर कैसा है, इंक्रीजिंग, देन आएगा बेरिलियम। अब बेरिलियम के बाद बोरान नहीं लिखा आपने, बोरान पहले लिखा है, लेकिन बेरिलियम का कंपैरिजन कार्बन से नहीं करना है, कार्बन तो वहीं आएगा, उसकी ज़्यादा होनी ही होनी है। ओके, तो बेरिलियम के बाद किसका नंबर हम लोग लगाने वाले हैं यहाँ पे, कार्बन का, किसका, कार्बन का। अब कार्बन और नाइट्रोजन में ज़्यादा किसका है, नाइट्रोजन का, इसलिए कार्बन पहले आया, ज़्यादा वाले को हम लोग आगे स्किप करते चल रहे हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसका ज़्यादा है, नाइट्रोजन का, इसलिए ऑक्सीजन कहाँ रखा जाएगा, पहले रखा जाएगा, देन नाइट्रोजन आएगा, उसके बाद फ्लोरीन एंड नियॉन, ये होगा आपका करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन केस ऑफ सेकेंड पीरियड। तो ये तो हो गई आपकी क्या, फैक्टर अफेक्टिंग से सारी डेफिनेशन, फैक्टर अफेक्टिंग, ऑल दिस थिंग्स हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ अब हम लोग क्या बात करेंगे इस पर, कि जितनी बातें आपने समझी हैं चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो शायद ग्रिप मजबूत मिल जाए। आइए अब बात करेंगे हम लोग इस पर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, चलिए देखते हैं। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रेडिक्ट व्हिच एटम इन एच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द ग्रेटेस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपके पास कि बी एंड सी, इन दोनों में से किसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। तो बहुत आसान है,
बात आपसे हो चुकी है हमारी कि हम लोग सबसे पहले किसको ध्यान में देंगे, पहले हम लोग लेंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चेक करेंगे कि कहीं ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं शो कर रहे। नहीं भाई, दोनों में से ना तो बोरान ना ही कार्बन कोई भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो नहीं कर रहा। इधर फिर आ जाइए, बोरान और कार्बन, बोरान का एटॉमिक नंबर 5, इसका 6, मीन्स हम लोग बढ़ रहे हैं लेफ्ट टू राइट। इट मीन्स एटॉमिक साइज ऑफ कार्बन क्या होगा, छोटा होगा बोरान से। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन इज हायर देन दैट ऑफ बोरान। पहला क्लियर, ओके। इसी तरीके से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में आ जाइए, देख लेते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरान और कार्बन में किसकी हुई, कार्बन की। अब नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की, तो बात आपकी पहले से भी हो चुकी है हमारी कि सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7 एंड ऑक्सीजन का 8, 1s2, 2s2, 2p3 एंड ऑक्सीजन 1s2, 2s2, 2p4। ओ नाइट्रोजन क्या शो कर रहा है, हाफ फील्ड स्ट्रक्चर शो कर रहा है क्लास। हाफ फील्ड अगर शो कर रहा है इसका मतलब वो स्टेबल होगा, जबकि ऑक्सीजन इतना स्टेबल नहीं है। तो इस पेयर में फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा हुई, नाइट्रोजन की। थर्ड पेयर में आ जाइए, बात कर लेते हैं ठीक इसी तरीके से। उस पर भी सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही करेंगे। आपके पास थर्ड मिला क्रोमियम एंड मैंगनीज, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 एंड मैंगनीज विद 25। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5, बिकॉज क्रोमियम एक्सेप्शन है, आप जानते हो एनर्जी कम होती है तो ले लेता है, वो सब बातें नहीं करनी है। मैंगनीज के बारे में आ जाइए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। अरे सर ये तो दोनों ही स्टेबल हैं, आप देखिए ना क्रोमियम भी स्टेबल है और मैंगनीज भी स्टेबल है, मींस दोनों के दोनों स्टेबल हैं। तो फिर लेकिन आप ध्यान दीजिए, इसके पास प्रोटॉन का नंबर कितना है, 25, और यहाँ कितना है, 24, मींस 25 24। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज़्यादा हुआ, मैंगनीज का। इट मींस मैंगनीज की आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी क्रोमियम से। और वैसे भी 4s2 से इलेक्ट्रॉन निकालना आप जानते हो ये फुल्ली फील्ड होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा इन कंपेरिजन ऑफ 4s1। सो विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्कशन वी कैन से दैट मैंगनीज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर देन दैट ऑफ क्रोमियम, ओके। अभी एल्यूमिनियम और गैलियम में आ जाइए, बात कर लेते हैं। तो आप बोलोगे सर एल्युमिनियम गैलियम तो हमारे ग्रुप में है, 13 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, और हम लोगों ने 13 ग्रुप के एलिमेंट में एक स्पेशल टर्म पढ़ा था जो कि सिर्फ 13, 14 और 15 में ही लगता है, वो क्या था भैया, इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एल्युमिनियम गैलियम एटॉमिक नंबर ऑफ एल्युमिनियम 13 एंड गैलियम 31। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ही होगा, यहाँ आपको मिलता है 3s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, और यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, 4p1। इसका मतलब हुआ इसकी साइज क्या होगी, 3 सेल में होगी, और गैलियम की साइज कितनी सेल में होगी भैया, 4 सेल में होगी, मीन्स गैलियम की साइज क्या होगी, बड़ी होगी। अगर इसकी साइज़ बड़ी है एल्युमिनियम से तो जाहिर सी बात है गैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी, लेकिन नहीं ऐसा नहीं होता। अब आप ध्यान दीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग कहाँ तक पहुँच रहे हैं, यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1 एंड 3d0। लेकिन अब गैलियम के बारे में आ जाइए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 एंड 4p1। यहाँ पे d ऑर्बिटल है मगर इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर d ऑर्बिटल है बट फुल्ली फिल्ड है, और किस सेल में है, तीसरे सेल में है। आप ध्यान देंगे तो तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं,
18 कहाँ भैया? सर ये 2 प्लस 6 प्लस 10 टोटल नंबर ऑफ लेटर्न इन केस ऑफ थ्री थर्ड सेल 18। अब अगर 18 सेल क्या करेंगे यहाँ पे रोटेट करेंगे, सीलिंग ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन नहीं, डी ऑर्बिटल है ना, यहीं से बातें क्या होने लगती हैं, बदलने लगती हैं। तो आप बोलते थे कि इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से और डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फील्ड हो जाने से इसकी जो स्क्रीनिंग होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है, जिससे न्यूक्लियस का फोर्स निकल के आउटर मोस्ट सेल पर लग जाता है। आउटर मोस्ट सेल पर लगने की वजह से जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है उसे खींच के अंदर कर लेता है, मीन्स गैलियम की साइज एल्युमिनियम की साइज से भी थोड़ी सी क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। इसका मतलब नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होते हुए भी किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, गैलियम की, जबकि कम होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर? ओके, निकिल में आ जाइए अब आगे, सॉरी नियॉन में और आर्गन में, तो यहाँ बात करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप अपने आप से जान जाओगे कि सर नियॉन भी क्या है, फुल्ली फील्ड है, स्टेबल है, आर्गन क्या है, ये भी फुल्ली फील्ड है और स्टेबल है, लेकिन आर्गन की साइज नियॉन की साइज से क्या होगी, बड़ी होगी। इसलिए जब हम लोग एनर्जी देंगे, हालांकि एनर्जी तो बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा इसमें लगेगा, बिकॉज इसकी साइज छोटी रहेगी, स्टेबल भी है, इसकी साइज इससे बड़ी है। कॉपर और जिंक की बात, डिक टू क्रोमियम और मैगनीज के जैसे ही होगा, इसलिए जिंक से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्लियर? अब आगे चलिए, कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आप लोग इसे ट्राई करिएगा। ओके।